हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बेसन से बनी हुई हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी। तो वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। तो यहाँ पर मैंने एक कप बेसन ले लिया है, बेसन को अच्छी तरह से छान लिया है और साथ ही कुछ सब्जियाँ ली है, एक टमाटर, एक शिमला मिर्च, एक प्याज, दो हरी मिर्च और कुछ धनिया की पत्तियाँ हैं। तो बड़े बाउल में सबसे पहले हम बेसन को डाल लेंगे और साथ ही हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा जीरा डाल देंगे और साथ ही थोड़ी सी अजवाइन डाल देंगे और जरा सी हींग डाल देंगे फ्रेंड्स। और इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए फ्रेंड्स इसका हमें थिक बैटर बना करके तैयार करना है। बहुत ज़्यादा बैटर को पतला नहीं करना है, थोड़ा सा थिक ही रखना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए बैटर बनाएंगे ताकि बेसन में लम्स ना पड़े। थोड़ा सा पानी और डालेंगे, बैटर अभी थिक लग रहा था जरा सा, तो परफेक्ट बैटर बनकर के तैयार है। इसको हम ढक करके फ्रेंड्स साइड में रख देंगे 10 मिनट के लिए ताकि बेसन अच्छी तरह से फूल जाए। और सभी सब्जियों को हम छोटा छोटा काट लेंगे बारीक बारीक। तो सब्जियां हमारी कट गई हैं, इधर बेसन को भी 10 मिनट हो चुके हैं। एक बार अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे और बेसन में सभी सब्जियां हम डाल देंगे। टमाटर डाल दिया, शिमला मिर्च डाल दिया, हरी मिर्च डाल दिया। तो फ्रेंड्स अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च का ध्यान रखें फ्रेंड्स, कम ज़्यादा अपने अनुसार कर सकते हैं। तो एक एक करके हमने सभी सब्जियाँ इसमें डाल दी और सभी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। साथ ही मैंने डाला है 1 चम्मच ऑयल और सभी चीज़ों को बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो सभी चीज़ें बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं फ्रेंड्स। तवे पर हम हल्का सा तेल लगाएंगे और 1 बड़ा चम्मच बैटर हम तवे पर डालेंगे और इसे गोल शेप में हमें बहुत ही पतला फैला देना है। बैटर को मोटा ना रखें फ्रेंड्स, पतला कर लें जितना पतला आप कर सकते हैं, तभी हमारी सारी सब्जियां अच्छी तरह से पक पाएंगी। तो बैटर को मैंने फैला दिया अच्छी तरह से गोल शेप में। एक तरफ से लाइट गोल्डन होने पर इसे हम पलट देंगे, ऊपर से हल्का सा ऑयल लगाएंगे और इसे पलट देंगे और दोनों तरफ से अच्छा करारा होने तक इसे हम सेक लेंगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितना बढ़िया इसका कलर आया हुआ है। तो हमारा बेसन का गर्मा गर्म नाश्ता बनकर के तैयार है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं।